मकान गिर रहे थे, हमारे सामने 5-8 मकान हमारे सामने गिर रहे, सब तो बहन का गया, कहीं मकान ही न गिर पाया। पिछले 6 दिनों से हमारे पास कोई नहीं आया और हम खुद अपने घरों से निकल रहे हैं। सर बहुत सारे फंसे हुए, लगभग 1-2 लाख फंसे अंदर, बेमना में तो कोई हेल्प ही नहीं है। कोई बोट नहीं आई, हम बहुत खतरनाक सैलाब आया हुआ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पहले ही फेल हो गई। यहाँ पर घर वालों का कुछ पता नहीं, वहाँ पर क्या मगर तो वो निकलो तो नमस्कार, मैं हूं नवजोत और ये समय है प्रश्नकाल का। आज प्रश्नकाल में बात होगी कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की, जो कश्मीर में आए सैलाब की इस मुश्किल घड़ी में गायब हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि कश्मीरियों को कुदरत के कहर से बचाने के लिए सेना के जवान युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं, लेकिन आए दिन घाटी में सरकार विरोधी प्रदर्शन करने वाले अलगाववादी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और इसी से उठता है प्रश्नकाल का सवाल, बाढ़ के दौरान कहां हैं कश्मीर के अलगाववादी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आठ सितंबर को जब आप लोग घरों में महफूज थे, वादी कश्मीर में सड़कों पर उफनाई लहरें मौत का तांडव कर रही थी। रास्ता बदल कर झेलम सारे बांध तोड़ती हुई जा घुसी थी शहर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भी घरों में फंसे हुए हैं यहाँ पे, और देखते ही देखते दरियाई जहलिम जो है यहाँ की तरह मुड़ा। आप देख सकते हैं ये हुर्रियत ऑफिस के इर्द गिर्द ये जो इलाके हैं सारी इस तबाही में आ गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कई गाड़ियां इसमें फंसी हो। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या कारें, क्या भारी सामान, इस जल प्रलय में सब कुछ डूब उतरा रहे थे। लोग छटपटा रहे थे, चढ़ते पानी के साथ मौत सब कुछ निगल लेने के लिए मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ रही थी। सब कुछ निगाहों के सामने हो रहा था, लेकिन निगाहों में बेबसी और लाचारी के सिवा कुछ नहीं था। हालात ये थे कि अस्पतालों में न डॉक्टर थे न नर्सें, लेकिन सैलाब के बीच बच्चे जन्म ले रहे थे। ये पूरा जो हॉस्पिटल है पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स फंसे हुए हैं एलडी हॉस्पिटल में, लेकिन इनके लिए कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। यहाँ पे सर्जरीज काफ़ी लोगों की कंडक्ट की गई थी, लेकिन जब सैलाब आ गया तो डॉक्टर्स इन्हें छोड़कर चले गए, सब लोग रो रहे हैं। हाँ बताइए, आपके पास तो है नीचे आवा कहाँ, डॉक्टर्स ना कहें कर करो सर्जरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया। जब घाटी में लहरें कर रही थी मौत का तांडव, लोग इंतजार कर रहे थे सरकार का, रेस्क्यू टीम का। ऐसा लग रहा था कि सरकार नाम की चीज है ही नहीं, कोई मददगार नहीं था, बचाने की हर गुहार लहरों से टकराकर लौट आ रही है। गवर्नमेंट कहाँ है, मिनिस्टर उनको अपने वोटों से कह रहे थे, अपने अपने बंदूक को निकाल रहे हैं हेलीकॉप्टरों से, और यहाँ हमको खुदा के वास्ते छोड़े हैं। पिछले चार दिनों से हम भूखे हैं और यहाँ मर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला ये बोल रहे हैं लोगों से कि हमने यहाँ हर एक फैसिलिटी रखी है, प्लीज हम हर एक से अपील करते हैं, जो ये गवर्नमेंट है इसने यहाँ कुछ नहीं किया है भाई, मदर हम 4 दिनों से भूखे मर रहे हैं, हमारे 4 बच्चे मर गए हैं और कुछ नहीं किया हमें। तबाही के इस सैलाब ने कश्मीर को दशकों पीछे धकेल दिया है, स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं रहा। सेना के हजारों जवान पिछले 1 हफ्ते से अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, नावों से, और कुछ नहीं तो अपनी पीठ पर ही लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। हमारे सैनिकों के इस जज्बे को सलाम के साथ ही अहम सवाल ये कि आखिर कश्मीर के अलगाववादी नेता कहाँ चले गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आपको राहत के काम में आम कश्मीरी की मदद करता हुआ कोई अलगाववादी नेता नजर नहीं आएगा। बात बात पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अलगाववादी गायब हो गए हैं। जब लाखों कश्मीरी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है,
तो उनकी किस्मत लिखने का दावा करने वाले, उनका भाग्य विधाता बनने का दावा करने वाले और उनकी आवाज होने का दावा करने वाले अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। राहत के काम में लगे हैं तो सिर्फ हमारे जवान। वैसे जहां तक अलगाववादी ताकतों का प्रश्न है, उधर से हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उस ओर हम नहीं देख रहे हैं। इस समय हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है कि जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको अधिकतम राहत कैसे पहुंचाई जा सके। अलगाववादियों की सियासत को आम कश्मीरी समझ रहे हैं। अगर अचानक आए सैलाब ने उनकी जिंदगी बदल दी है तो अलगाववादियों के रवैये ने उन्हें जिंदगी की एक और बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया है। इस सैलाब ने लोगों को अपने ही देश के खिलाफ उकसाने वाले अलगाववादियों को बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो प्रश्नकाल में आज के सवाल पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन रात 8:30 बजे। आपको बता दें कि हमारे साथ होंगे पूर्व मेजर जनरल JB जैनी और कश्मीरी पंडित सुशील पंडित। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र बशरत अली हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल आबिद राव। इन सभी से हम करेंगे चर्चा, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ठीक 8:30 बजे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में कौन कौन से बड़े अलगाववादी नेता हैं जो वैसे तो आए दिन अपने समर्थकों के साथ कश्मीर बंद और हड़ताल करके तमाम तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जब लोगों को वाकई उनकी जरूरत है तो वो गायब हैं। कश्मीरी लोग अब मदद के लिए गुहार कर रहे हैं, लेकिन वो अलगाववादी कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले अलगाववादी नेता जिनका नाम आता है वो है सैयद अली शाह गिलानी, उम्र 84 साल, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चरमपंथी धड़े के अध्यक्ष भी हैं और खुद को कश्मीरी जनता का ये असली मसीहा, असली प्रतिनिधि बताते हैं। कश्मीर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवाते रहते हैं अक्सर। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है मीर वायज उमर फारूक का, जिनकी उम्र है 41 साल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरमपंथी धड़े के अध्यक्ष हैं। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज में इन्होंने PhD किया हुआ है। 20 साल की उम्र में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक चेयरमैन बने थे। इसके बाद तीसरा नाम जो आता है, जिस अलगाववादी नेता का नाम आता है, वो है मोहम्मद यासीन मलिक, उम्र है 51 साल, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन है। 2009 में पाकिस्तानी आर्टिस्ट मार्शल हुसैन से निकाह किया था। इसके बाद पिछले साल पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ मुलाकात भी की थी, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। हुर्रियत से जुड़े रहे और अलगाववादी नेता भी हैं। आपको बता दें कि शब्बीर अहमद शाह, जिनकी उम्र 61 साल है, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने पिछले साल हुर्रियत का एक तीसरा धड़ा बनाया। और ये सभी अलगाववादी पिछले दिनों दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन कश्मीर में आए सैलाब के बीच ये अचानक गायब हो गए। तो जाहिर सी बात है कि सवाल जरूर उठेंगे। बहरहाल, स्वर्ग में आए सैलाब में फंसे कश्मीरियों और सैलानियों को बचाने के लिए सेना के जवान जी जान से जुटे हुए हैं। अब तक 1,30,000 लोगों को बचाया भी जा चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में राहत और बचाव के लिए पहुंचे जवानों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई है। सेना मदद के जरिए लोगों के गुस्से को तो शांत करने में जुटी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आशंका जताई है कि कुछ लोग इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि उमर का इशारा आखिर किस तरफ है। कश्मीर घाटी में पिछले 9 दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। पानी में घिरे लोगों को निकालने के लिए सेना, एयरफोर्स और नेवी के जवान अपनी जान पर खेलकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी में फंसे लाखों लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पानी घटने के बाद भी श्रीनगर के निचले हिस्सों में फंसे लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनके सामने जो भी जवान पहुंच रहा है वे उन्हीं पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। गुरुवार को बटमालू इलाके में राहत अभियान चला रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टरों पर कुछ लोगों ने छतों से पत्थर बरसाए। Unfortunately, on the day before yesterday, I was carrying out a winching operation on one of the rooftop. I was hovering at a height of about 5 to 6 meters on the rooftop. While this winching operation was in progress, there was a crowd of about 14 to 15 people, 14 to 20 people on the adjacent rooftop
who started pelting stones at the aircraft. So what happened is they were from the right side. My co-pilot had to shout on the intercom. Then we had to abort the winching operation and carry out an immediate takeoff to be safe. हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर पत्थर फेंके जाने की घटना के बाद सेना के जवान फिलहाल ऐसे इलाकों में जाने से बच रहे हैं और अब वो इन इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटे हैं जहां लोग शांत हैं और मदद की बाट जो रहे हैं। बचाव अभियान में जुटे जवानों को उम्मीद है कि जल्द ही बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा खत्म होगा और सेना के प्रति उनकी नाराजगी कम होगी। फेलो कंट्रीमैन एंड अ सिटीजन ऑफ द सिटी इज अंडर वाटर फॉर अ वीक 10 डेज One would naturally expect a certain amount of resentment and anger within. I am sure the anger will get vented out, like all of us. They will also calm down and respond very positively to our efforts to reach out to them. जाहिर है बाढ़ में फंसे लोग जम्मू कश्मीर सरकार के बचाव इंतजामों से बेहद नाराज हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों के गुस्से को जायज ठहराया है, लेकिन उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि कुछ लोग इस मौके पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग, ट्राइंग टू स्लैश बोट्स, यू नो, अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलवेज, एटलीस्ट एज फार एज आई कैन रिमेंबर, हैड एन एलिमेंट ऑफ पीपल हियर दैट हैव सॉर्ट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। दे हैव ऑलवेज डन इट। आई हैव टोल्ड द पुलिस टू अग्रेसिवली पेट्रोल एरियाज वेयर दिस इज हैपनिंग। सवाल यह है कि जब कश्मीर घाटी में ज्यादातर लोग बाढ़ में गिरे हैं और मदद मांग रहे हैं, तो वो मुट्ठी भर कौन लोग हैं जो सेना के बचाव कार्य में अड़ंगा लगा रहे हैं? कौन है जो कश्मीर की इस हालत का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या उमर का इशारा उन अलगाववादियों पर है जो इस मुश्किल घड़ी में गायब हैं? अलगाववादियों पर उंगली उठाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये नेता पहले भी कश्मीरी लोगों के एक वर्ग को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने के लिए उकसाते रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से सेना के जवान कश्मीर में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं, उससे कश्मीरी आवाम को बड़ी राहत मिली है। हर तरफ सेना के काम की तारीफ हो रही है, जबकि अलगाववादी नेताओं पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इस भीषण त्रासदी में कश्मीरियों की जान बचाने के बजाय अलगाववादी नेता आखिर कहां छिप गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। तो कश्मीर में आई आफत की इस घड़ी में अलगाववादी नेता भले ही नजर न आ रहे हों, लेकिन अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब घाटी के बड़े अलगाववादी नेता दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, लेकिन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले इन नेताओं की मुलाकात पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया और पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित बातचीत को रद्द कर दिया। शब्बीर शाह, यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, कश्मीर के ये चारों अलगाववादी नेता पिछले महीने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात के लिए दिल्ली में थे। वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी कि वो अलगाववादियों से मुलाकात न करे, लेकिन कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले ये नेता एक के बाद एक मुलाकात करते नजर आए। यही नहीं, इन सभी ने न केवल इस मुलाकात को सही ठहराया बल्कि पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की बातचीत बंद करने के फैसले को गलत करार दिया। नहीं, गंभीर नहीं होना चाहिए था ये, तो बहरहाल भारत ने जो कुछ किया है ना वो ठीक नहीं किया, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई जवाब नहीं बनता था इसका कि भाई, क्योंकि हम तो आते रहते हैं वहाँ। पाकिस्तान ही नहीं, इन अलगाववादी नेताओं की तरफ से ये भी दलील दी गई कि इस तरह की मुलाकातों में कुछ भी गलत नहीं और परंपरा के तौर पर ये पहले भी होती रही है। पहले की मुलाकातों पर नजर डालें तो नवंबर 2013 में एशिया यूरोप बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए पाक पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की थी। मई 2012 में गृह सचिव स्तर की बातचीत से पहले हुर्रियत नेता पाक उच्चायुक्त से मिले थे। जुलाई 2001 में आगरा शिखर वार्ता से पहले तत्कालीन पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हुर्रियत नेताओं से मिले थे, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने पाक उच्चायुक्त की अलगाववादियों से मुलाकात पर कड़ा रुख अपनाया और इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल करार दिया। भारत ने पाकिस्तान की उस दलील को भी पूरी तरह ठुकरा दिया कि कश्मीरी अलगाववादी गुट दोनों देशों के बीच कश्मीर मसले में वैधानिक पक्ष है। अलगाववादी नेताओं से मुलाकात पर भारत की आपत्ति की बड़ी वजह ये है कि घाटी में सक्रिय अलगाववादी संगठन पाकिस्तान की शह पर कश्मीर को भारत से अलग करने का राग अलापते हैं। इसके लिए वो सुरक्षा बलों को बदनाम करते हैं, सरकार के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाते हैं, तो कभी पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देकर घाटी में हिंसा फैलाते हैं।
ये सब इसलिए ताकि पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल बना रहे। खुफिया एजेंसियों की माने तो इन सब के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का हाथ रहता है। ये दावा तब और पुख्ता हो गया जब पिछले साल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ मंच साझा किए जाने की तस्वीरें सामने आईं। इस्लामाबाद में यासीन मलिक 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ एक मंच पर बैठे थे। जब इस पर विवाद बढ़ा तो यासीन मलिक ने अपनी सफाई में कहा, फांसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे और हाफिज को वहां बुलाया नहीं गया था, बल्कि खुद कुछ देर के लिए वो वहां पहुंचा था। सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी क्या इन अलगाववादियों पर भरोसा किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि प्रश्नकाल में आज के सवाल पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे रात 8:30 बजे, और हमारे साथ होंगे पूर्व मेजर जनरल JB जैनी, कश्मीरी पंडित सुशील पंडित, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र बशरत अली, और पाकिस्तान से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल आबिद राव। इन सभी से बात होगी बस अब से कुछ ही देर में ठीक 8:30 बजे। कश्मीर में आई तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचाते एक वक्त नेटवर्क 18 संवाददाता रफत को लगा था कि वो खुद भी नहीं बच पाएंगे, तब वो हमें अपनी एक रिपोर्ट भेजने में सफल हुए। आइए देखते हैं कि रफत को क्यों लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे। नाज़रीन, पिछले 14 साल से रिपोर्टिंग करते आए और लोगों के मसले हाईलाइट करते आए, लेकिन इस वक्त हमें नहीं मालूम कि हमारा मामला कौन हाईलाइट करेगा। हालांकि कैमरा और माइक तो हमारे साथ में है, लेकिन कम्युनिकेशन कट चुका है। और ये विशेष कवरेज हम आपको दिखाएंगे रात 9 बजे। बहरहाल, अलगाववादी नेताओं की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो इलाके में तैनात सुरक्षा बलों की छवि को खराब कर उन्हें जनता के नजदीक न जाने दें, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में सेना के जवान ही लोगों के लिए फरिश्ता बन गए हैं। तीनों सेनाओं के जांबाज और NDRF की टीमें बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें गवाह हैं कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले ये जांबाज कैसे देश के भीतर भी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इनमें से हजारों को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है एक पल के लिए आराम किए। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के मरीन्स, NDRF की टीमें सभी मोर्चे पर जुटी हुई है। इलाके दर इलाके लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। बारिश, घने बादल, बाढ़ जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक यह कश्मीर में पिछले 109 साल की सबसे बड़ी बाढ़ है। घाटी के 1200 गांवों में बाढ़ का असर है और जम्मू के 1100 गांवों में बाढ़ का पानी कहर बना हुआ है। इन इलाकों के 700 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर मची तबाही में लोगों की मदद के लिए हमारे सुरक्षा बल अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं कर रहे। चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के NDRF के जवान रहे हों, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेना टूटे हुए पुल बना रही है, लोगों के लिए राहत कैंप लगा रही है, उन्हें मेडिकल, खाने पीने की सुविधा दे रही है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव दल देवदूत बनकर आया है। सरकार के मुताबिक अब तक 1,30,000 लोग बचाए गए हैं। राहत के काम में 89 ट्रांसपोर्ट विमान जुटे हैं। हेलीकॉप्टर विमानों ने 1,379 उड़ानें भरी। सेना ने 30,000 जवानों को राहत काम में लगाया है। अब तक 3,00,000 लीटर पानी पहुंचाया गया है। 31,500 खाने के पैकेट गिराए गए हैं। 533 टन पका हुआ खाना लोगों तक पहुंचाया गया। 8,200 कंबल और 1,000 टेंट पहुंचाए गए। FMMC की 80 मेडिकल टीमें मैदान में हैं। 4 नए फील्ड हॉस्पिटल बनवाए गए हैं। अब तक 21,500 लोगों को इलाज मुहैया कराया गया है। सेना NDRF की 224 नावें राहत के काम में लगी हैं। सेना ने 19 राहत कैंप लगाए हैं। 6 नए वाटर फिल्टर प्लांट शुरू किए गए हैं।
7 लाख क्लोरीन टेबलेट बांटी गई है। अंबाला से 22,000 लीटर तेल भिजवाया गया है। ये फहरिश्त बहुत लंबी है, यकीनन सेना और एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए फरिश्तों जैसा काम कर रही है। छोटे से छोटे हैमलेट को एड्रेस किया जा रहा है। हमारे जम्मू प्रोविंस में मुझे लगता है कि करीब 15,000 आदमी इसी काम पे लगे हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर फिर से जन्नत बन पाएगा? आखिर वहाँ सामान्य हालात कब तक हो पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि बस अब और बारिश ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कश्मीर में आई तबाही ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तबाही के दौरान नेटवर्क 18 के एक संवाददाता रफत पर भी जो बीती वो हम आपको दिखाएंगे आज रात 9 बजे। आइए देखते हैं कि रफत को आखिर क्यों लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे। नाज़रीन, पिछले 14 साल से रिपोर्टिंग करते आए और लोगों के मसले हाईलाइट करते आए, लेकिन इस वक्त हमें नहीं मालूम कि हमारा मामला कौन हाईलाइट करेगा। हालांकि कैमरा और माइक तो हमारे साथ में है, लेकिन कम्युनिकेशन कट चुका है। उठता है प्रश्नकाल का आज का सवाल भी, बाढ़ के दौरान कहां हैं कश्मीर के अलगाववादी? और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं परिचय करा देती हूं आपका। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेजर जनरल आदित्य जय बिजैनी, बहुत स्वागत है आपका। और कश्मीरी पंडित और साथ ही प्रजनक के प्रकाशक भी इस वक्त हमारे साथ हैं, सुशील पंडित, आपका भी स्वागत है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं बशरत अली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान के पूर्व एयर वाइस मार्शल आबिद राव, जिनसे हम बात करेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मुश्किल भरी इस घड़ी में आखिर अलगाववादी हैं कहां, जो कि खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत हमें सुशील जी आप ही से करनी चाहिए। जी, बड़ा सवाल है कि आखिर अलगाववादी हैं कहां। कहने को तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हमसे बड़ा रहनुमा कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त जब सबसे ज्यादा कश्मीरियों को उनकी जरूरत है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लगता है वो भी बाढ़ग्रस्त हैं, लेकिन बाढ़ से ज्यादा वो इस बात से ग्रस्त हैं कि करें तो करें क्या। अब खिसिया कर वो सेना पर और केंद्रीय सरकार पर तोहमतें मढ़ रहे हैं, कहीं कहीं उनके राहत कार्य में बाधा भी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि आप यदि स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो काम हो रहा है उसमें बाधा ना पहुंचाएं। लेकिन वो लगातार जारी है और इसकी जो खबरें आ रही हैं ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, बस मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगता नहीं है कि इस वक्त उनको लोगों के बीच, लोगों के साथ होना चाहिए? नहीं, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि वो लोगों के बीच और लोगों के साथ नहीं है, कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, हमें पता है कि वो वहीं पर हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं गिलानी साहब से, जब आप कहते हैं अलगाववादी, आप किन का नाम ले रही है? मतलब सईद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, अगर आप उनका नाम ले रही हैं तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो कश्मीर में बैठे हुए लोगों के साथ बैठे हुए। और ये कह रहे हैं आप कि वो कुछ कर क्यों नहीं है, ना तो वो हमास है, ना तो LTT है, ना तो उनके पास हेलीकॉप्टर है, ना तो कोई बड़ा हथियार है उनके पास, जो वो भी वो उसी तरह से इस सैलाब की वजह से परेशान है जिस तरह से बाकी लोग हैं। और अब आप ये कहेंगे कि वो कुछ कर क्यों नहीं सकते, क्यों इसका उसका ये वजह है क्योंकि ना उनके पास रिसोर्सेस है, ना उनको कभी किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को, कोई किसी सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे भारत की सरकार पिछले 70 सालों से बनने दिया है, ना मेरे ख्याल से बनने देंगे। और यही वजह है कि अब तक एक हफ्ता हो गया, लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, अभी भी ना उनको खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ये वजह है। और अब आप ये कहेंगे वो कहाँ है, एक तरफ से आप उनको मतलब ये स्पेस नहीं दे रहे, उनको ये मतलब डेवलप होने की गुंजाइश नहीं दे रहे, फिर आप इस बाढ़ के टाइम में आप बोल रहे हो कि वो कहाँ है, वो भी लोगों के साथ फंसे हैं और वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने रिलीफ कैंप्स एस्टैब्लिश किए हैं और वो बैठे हुए हैं उन जगहों पे। IBN की एक रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है कि इंग्लिश IBN की, इस पे इंटरनेट पे जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा था, और मुझे बहुत हंसी आई थी, उन्होंने एक अननोन सोर्स को कोट किया था और ये कहा था दैट हुरियत पीपल आर सेफ इन दियर
फ्लड प्रूफ हाउसेज, मतलब मेरा मतलब दिमाग चकमका गया कि ये फ्लड प्रूफ हाउस हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं साथ ही साथ कि एयर वाइस मार्शल आबद राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो शायद हमारी इस चर्चा को सुन भी रहे होंगे। मैं आपके पास आऊंगी आबद साहब, लेकिन बशरत मेरा सवाल एक आपसे सवाल है। आपने बिल्कुल कहा कि वो भी बाढ़ में फंसे हुए हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। देखिए छोटी सी बात है, हमारे रिपोर्टर्स के पास भी सोर्सेज नहीं होते हैं, वो भी तो जा रहे हैं। भले एक इंसान को, एक इंसान को तो कम से कम उन्होंने बचाया, एक ही को बचा रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ के बीच में है, पानी के बीच में उतरे हैं, बचाने के लिए उतरे हैं। रिपोर्टर्स के कहां से उतरे हैं वो भी हमें पता है और हम सब देख रहे हैं। और वो अगर आप ये कहना चाहती हैं कि जिनको आप सेपरेटिस्ट बोलते हैं, मेरे लिए वो प्रो फ्रीडम लीडर्स हैं, आप ये कह रहे हो कि उन्होंने किसी को नहीं बचाया, तो आपको फिर जाना होगा, यू विल हैव टू चेक योर स्टैटिस्टिक्स अगेन। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं बचाया, तो आप बिल्कुल गलत है, वो भी लोगों को बचा रहे हैं। और अभी मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, एक बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट ने एक छोटा सा रिपोर्ट लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि जो जितनी भी आर्मी की बोट्स वहां पे कश्मीर में है, 5 है 10 है 20 है, एक बोट में 10 आर्मी जवान है और 2 लोग जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है। 10 आर्मी के जवान एक बोट में कर क्या रहे हैं? नहीं, लेकिन लोग भी तो नहीं आना चाहते। चलिए मैं हाँ, लोग क्यों नहीं आना चाहते, उसका जवाब आपसे मिलना चाहिए। जैनी साहब से मैं ये सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हम सैल्यूट, I-7 सैल्यूट करना चाहेगा हमारी सेना को, जिस तरीके से उसने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाकर लोगों को वहां से निकाला है, और बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उत्तराखंड के दिन सैल्यूट नहीं किया था? नहीं, उस हमने उस समय भी सैल्यूट किया था, शायद आप मेरे साथ नहीं रहे होंगे उस वक्त, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ। जैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सेना के काम में बाधा डाली जा रही है वहां पर? नवरोज जी, पहले तो मैं बशरत साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि ये लोग भले ही जो हमारे अलगाववादी हैं, जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं, ये भले ही चाहे कश्मीर में हो, लेकिन द फैक्ट इज कि दैट दे आर टोटली इनफेक्टिव। अगर उनमें से एक आदमी जो है मिरवाज मियां, वो कहते हैं कि जी हमको तो रेफरेंडम चाहिए, गिलानी साहब बोलते हैं जी हम तो कश्मीर को लेके पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, यासीन मलिक जी बोलते हैं जी हमें तो इंडिपेंडेंट कश्मीर दे दीजिए। अभी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग अलगाववादियों के लिए अलग अलग उनकी डिमांड ऐसे पूरी नहीं कर सकती है। ये बात, लेट मी फिनिश बर्शद जी, द फैक्ट रिमेन्स दैट कश्मीर इज एन इनडिस्प्यूटेबल इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया। वो हमारे भारत का एक अंग है, हमारे भारत का एक हिस्सा है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज नॉट क्वेश्चनेबल, इट इज नॉट negotiable under any circumstances by any power in this world, leave alone in this country. So there is no voice which can say that Kashmir is not a part of India. Okay, these separatists have their personal agenda. इनका personal agenda है। इनको आप कह रहे हैं कि वो कश्मीर में हैं। अगर उनका grassroots level पे इतनी उनकी following है, अगर उनका कार्डर इतना बड़ा है, तो आज क्यों नहीं मिरवाज मियां या यासीन मलिक या गिलानी साहब गांव-गांव में तहसील लेवल पर क्यों नहीं वो ऐसे सैलाब के टाइम पर काम कर रहे हैं? इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया इनके कमाई में आ रहा है, ISI से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, क्यों नहीं एक स्टेटमेंट इन तीनों में से किसी एक से भी आया, ये लीजिए 100 करोड़ हमारे तरफ से सैलाब के मदद के लिए। दूसरी बात जो आपने ये कही कि एक एक नाव में 10-10 जवान हैं और 2 उसमें हैं, माफ करिएगा, चाहे 10 नाव हो चाहे 50 नाव हो, 2-2 करके 1,30,000 नहीं बन जाते? आज के दिन 1,30,000 का फिगर है, किसी भी प्रेस, किसी भी मीडिया, किसी भी टीवी चैनल में ले लीजिए, 1,30,000 लोगों को राहत पहुंचाकर, उनको बाढ़ से दूर हटाकर सेफ्टी जगह पर, ये एक नाव में 2-2 लोग करके नहीं हो सकते। आखिरी पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा कि 1,30,000 आज के दिन में बच गए, किसी भी न्यूज किसी भी रिपोर्ट को देख लीजिए, रिपोर्ट भी आप ही की है, मीडिया भी आप ही का है और आर्मी भी आप ही की है। मगर आप एक चीज इग्नोर कर रहे हो, जो मीडिया भी इग्नोर कर रही है, जो हेलीकॉप्टर्स में बैठ के 10-10 बंदे इनके भी बैठ के क्रू बैठ के हेलीकॉप्टर्स में नीचे के शॉट्स ले रही है, फोटोग्राफ्स ले रही है, वो भी ये इग्नोर कर रही है कि कश्मीर में अभी इस टाइम पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्टिवेट हुए हैं, अनंतनाग से लेकर बेमिना तक, जो खुद काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, मैं 5 दिन से मैंने लंच नहीं किया है, 5 दिन से हम स्टूडेंट्स हम सारे JNU से लेके जामिया से लेके बाकी यूनिवर्सिटीज से लेके हम रिलीफ, हम कंट्रीब्यूशन अपने जेब से इकट्ठा कर रहे हैं, हम रिलीफ भेज रहे हैं वहां पे। मेरे एयरपोर्ट में बताऊंगा अली साहब, आंखें तो नहीं बंद करी जा सकती ना, आपके सामने टेलीविजन बंद हुई है, नहीं टेलीविजन आपका है, टेलीविजन आपका है, मीडिया आपका है, देयर इज अ विजुअल्स, तो सभी देख रहे हैं, विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज बायस इन द लेंस, लेंस हैज इट्स ओन बायस।
और लेंस देखना चाहता, लोगों को वही दिखाएगा जो वो लेंस खुद देखना चाहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फैक्ट्स हमारे पास है, सुशील जी मैं आ रही हूँ आपके, फैक्ट्स हमारे पास है। ये बताइए कि ठीक है, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ ना, देखिए असली मुद्दा क्या है भाई, लोगों को बचाना, जो लोग वहां पर फंसे हो उन्हें किसी भी तरीके से निकाला जाए। सवाल यहाँ पर एक मिनट सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही तो है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि भाई कहाँ है वो अलगाववादी, कहने को सबसे बड़े मसीह है। देखिए जब बातचीत करनी होती है तो आप पाकिस्तान भी चले जाते हैं, हाफिज सईद के साथ मंच भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त कहाँ है भाई, आप एक इंसान को तो बचाते। अगर आप ये कहती हैं कि एक भी इंसान को उन्होंने बचाया है तो मतलब उसका तो जवाब मेरे पास नहीं होगा, बिकॉज दैट्स कम्प्लीटली बिजार, दैट्स कम्प्लीटली अनथिंकेबल कि किसी एक हुरियत वाले ने या किसी जेकेएलएफ वाले ने एक भी आदमी को नहीं बचाया। द फैक्ट इज दैट दे आर देयर ऑन ग्राउंड, दे हैव एस्टैब्लिश्ड रिलीफ कैंप्स, द फैक्ट इज दैट दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू पीपल, द फैक्ट इज दैट दे आर प्रोवाइडिंग फूड एंड वाटर टू पीपल, द फैक्ट इज दैट दे आर देयर ऑन द ग्राउंड, व्हाइल व्हाट मीडिया, इंडियन मीडिया इज डूइंग इज ओनली डूइंग पीआर एक्सरसाइज फॉर इट्स आर्मी टू एब्सॉल्व इट, टू एब्सॉल्व टू एब्सॉल्व इट्स आर्मी ऑफ द क्राइम दैट इट हैज कमिटेड फॉर द लास्ट 70 इयर्स इन कश्मीर। इट्स एन ऑक्युपाइड टेरिटरी, मीडिया इज लाइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, सो एज टू एस्टैब्लिश एंड सस्टेन द लाइज, टू सस्टेन द ऑक्युपेशन ऑफ कश्मीर। मुझे लगता है बशारत साहब को जल्दी से, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा सुशील जी, इस बाढ़ के मौके पर भी उन्हें उन्हीं बातों को दोहराने का मौका मिल रहा है लगता है जिन्हें वो पिछले 25 साल से करते आए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज आप कम से कम ये देखिए, जिस यासीन मलिक को लोगों को बचाना था उसे खुद आर्मी ने बचाया है अपने घर से। नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, जो हुरियत का अभी तक वो भी गया वहां से भी निकाल के लाए हैं फौज के लोग। अभी संक्षेप में, संक्षेप में जिस बोट के विषय में वो कहते हैं कि 10-10 लोग आर्मी के उसमें बैठे हैं, मैंने हर फुटेज में देखा है कि आर्मी के जवान कमर तक के पानी में उतर करके उन लोगों से बची हुई बोट्स को खींच रहे हैं। एक भी आदमी बोट में नहीं है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से वही विश्वास हम लोग काम का ग्रैब है, ना तो ये बेमिना का ग्रैब है, ना तो ये बेमिना का ग्रैब है, हमारे साथ है वाइस मार्शल राजबाग का एक ग्रैब है, ये तो श्रीनगर का, ये तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कहां से उठा के ले आया। एक मिनट में आ रही हूं, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल आबद राव भी है। सुशील जी बस एक मिनट, 12-12, 15-15 घंटे पानी में उतर करके दिन रात लोगों को बचाना और उसके बाद ये सुनना, अपने आप में इतनी कृतज्ञता, इतना एहसान फरामोशी मैंने कभी नहीं देखा। मिनट जल्द साहब, सुशील जी बस एक मिनट, उसके बाद एक और स्टेटमेंट आती है पड़ोस से कि जल्द जिहाद कर रहे हैं, ये हाफिज सईद की स्टेटमेंट है, मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी एयर वाइस मार्शल आबद राव का। जी जी, आप सवाल दोबारा दोहरा देंगी? मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से, उधर से हाफिज सईद की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जल्द जिहाद कर रहा है अब भारत। जी ये तो बड़ी कॉमन कंप्लेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में कि उसकी चिनाब में वार्निंग नहीं दी गई इंडिया की तरफ से, और आई थिंक आइंदा आने वाले टॉक्स में पाकिस्तान से बहुत एम्फसाइज करेगा कि इसमें हमारा रबता बहुत बेहतर होना चाहिए, यहाँ फ्लड वार्निंग दी जा सके और पानी एकदम ना छोड़ा जाए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इतनी हमारी अपनी बारिशों ने डैमेज नहीं किया जितना इंडिया ने जो पानी छोड़ा है बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उसने ज्यादा तबाही मचाई है। वो ये तो एक कॉमन फीलिंग है। और अब ये वाटर डिस्प्यूट जो है ना, इट इज प्रोबेबली बिकमिंग अ मोर सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, बिकॉज मेरा ख्याल सैलाब ना आप अफोर्ड कर सकते ना हम कर सकते, अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फ्लो, उसमें वी विल ऑलवेज बी विक्टिमाइज, उसको फीलिंग को भी कम करना चाहिए, डैमेज को भी कम करना चाहिए और इस शिकायत को भी कम करना चाहिए कि वी आर यू नो इंडिया इज डूइंग इट वेल वेन एवर दे वॉन्ट टू बी नास्टी और बी यू नो बैड टू पाकिस्तान। नहीं ऐसा ऐसा जी जी, मैं इसका जवाब मेजर जनरल जानी साहब से आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए तबाह तो पूरा जम्मू कश्मीर हुआ है, तबाही ज्यादा यहाँ पर हुई है और उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना। देखिए मैं तो नवजोत जी यही कहूंगा, ये समय एक बड़ी मुश्किल का है, बहुत कठिनाइयों का है, 1.25 लाख लोग तो सिर्फ राहत मिली है, इसमें कई लाख है जो की अभी भी डूबे हुए है, भूखे है, राहत ढूंढ रहे हैं, सुकून को की दुआ कर रहे हैं।
ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर में इल्जाम लगाने का कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये समय है कि पूरे देश का, सारी एजेंसीज को, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, सारे सोशल ग्रुप्स को, सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा होकर ये इस मुसीबत से निकलना है, ठीक है, और लोगों को राहत पहुंचानी है। हाँ। आपके पास सामने उत्तरांचल का, उत्तराखंड का आपका एग्जांपल है कि वहां पे आर्मी ने कैसा काम किया, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने किस तरीके से जुटकर वहां पर राशन पहुंचाया, लोगों को दवाइयां पहुंचाई, लोगों को रिकंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम में दिया। और जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर जी ने अभी कहा है, अभी मुसीबत टली नहीं है, अभी तो बड़ी मुसीबत आनी है। आप देखेंगे कि जब पानी ढल जाएगा कितनी बीमारियां फैलेंगी, मरे हुए जानवर, मरे हुए लोग, जो कचरा गंदा। आखिर हम लोग सब कश्मीर में रह चुके हैं, सब श्रीनगर में सर्विस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि वहां के जो छोटे छोटे बहाव के चैनल्स होते थे, जिसमें की के छोटे छोटे गंडोलाज फूल लेके लोग घर से घर में बांटते थे, सब पुर गए हैं कचड़े से, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हुआ है और उसके ऊपर घर बन गए हैं। झेलम का जो पूरा बहाव का जो चौड़ाई थी वो कम हो गई है। तो रिजल्ट इज दैट आपने देखा होगा उत्तराखंड में जबकि के आर्मी ने पुल बनाया, उसके ऊपर में लकड़ी नहीं टिक पा रही थी, प्लैंक्स नहीं टिक पा रहे थे, जवान उसके ऊपर लेट गए, ऐसे बिल्कुल आड़े लेट गए और उसके ऊपर से लोगों को जवान उनके निकाला गया, बचाया गया। मुझे आप बताइए कि ऐसा एग्जांपल मैं आपको ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस एंड सर्विस टू द पीपल, आर्मी फॉर द पीपल, विद द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बिल्कुल कहां मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में ही मिलेगा। ठीक है, मैं सुशील साहब, ये समय ये नहीं है कहने का है कि सेपरेटिस्ट ये नहीं किया, ये समय है जबकि के सबको अपने पूरे हिम्मत से इसमें जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर नवजोत जी, एक पॉइंट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं जनरल साहब का जिन्होंने ये कहा कि ये पॉइंट ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि सेपरेटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया है, और ये पॉइंट ये नहीं है कि बिकॉज इस शो का मकसद ही यही है कि कहाँ है आतंक अलगाववादी, कहाँ है वो लोग, मतलब ये तो शो उसका मतलब ये है कि शो होना ही, ये शो करना ही नहीं था, क्योंकि इसका मोटिव यही है कि आप डिफेम करें उन लोगों को जो बाढ़ में बचे हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। चलिए ठीक है, आपने कहा कि इस शो का मोटिव ये है, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। चलिए ये बताइए कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो कहता है ये मेरा घर है, मेरे घर से कोई ईंट उधर नहीं जाएगी, कोई बर्तन उधर नहीं जाएगा, जब घर पे मुसीबत आती है तो घर वाले सबसे पहले उसी की तरफ देखेंगे ना, और उसके बाद वो कहीं छुपकर बैठ जाए या फिर वो आए नहीं तो क्या कहेंगे लोग, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यही बात हो रही भाई, मसीहा है आप आज तक ये तो बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने रिकॉग्नाइज किया कि गिलानी साहब मसीहा है लोगों के, और मैं आपको ये बताऊंगा अकॉर्डिंग टू लोगों के हिसाब से भी वो है, और वो लोगों के साथ बैठा है, उमर अब्दुल्ला की तरह या आपके मनमोहन जी मोदी साहब की तरह, जो जिन्होंने बोला उत्तराखंड के बाढ़ के समय कि मैं उत्तराखंड एक दिन गया और 15,000 लोगों को बचा के लिया, वो तो जम्मू कश्मीर भी गए, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं 15,000 लोगों को बचा गया। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो आपके टेक्निकल टर्म्स है उसको क्लाइंट रजीम बोलते हैं, जो चला रहे हैं वहां पे एक हेजमोनिक रजीम जो ऑक्यूपेशन को सस्टेन कर रही है वहां पे, उन्होंने आज प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूं, मगर ये भी साथ कहा कि जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक 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 ज़हीन दिमाग दंग रह जाता है कि जब एक स्टेट मशीनरी कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो आम इंसान कोऑर्डिनेटेड कैसे हो सकते हैं। ठीक है मैं सुशील जी मेरा एक सवाल आपसे, एक मिनट जनरल साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, मेरा सवाल ये है, दिस वन पॉइंट, यू नो, सवाल इसका नहीं है कि कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, कोऑर्डिनेटेड ना हो वो अपनी तरफ एक जगह है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो सेपरेटिस्ट उसको भी उसको तोड़ रहे हैं, मतलब बोट्स को डैमेज कर रहे हैं, स्टोन थ्रोइंग कर रहे हैं, ताकि के जो भी छोटा मोटा नाम रिकॉग्निशन कमा सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस उनको वो क्रेडिट कौन जा है जो बाधाएं डाल रहा है। सुशील जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि इसकी आड़ में सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं इशारा क्या अलगाववादियों की तरफ करते हैं। देखिए आप पूछ रही हैं कि कहां हैं वो लोग, मोटी बात यह है कि जहनियत शटडाउन की है, हड़ताल की है, काम रोको की है। आज प्रकृति ने सबसे बड़ा शटडाउन कर दिया है, बिल्कुल, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शटडाउन को और कैसे कम किया जाए, ये तो शटडाउन को बढ़ाने वाले लोग हैं। इनका सारा
एफर्ट, सारी मशक्कत, सारी कवायद चीजें बंद करने में होती है। आज जब सबसे बड़ा बंद इस बाढ़ ने कर दिया है तो इनको खोलने के तरीके मालूम नहीं है, इनको रास्ते निकालने के तरीके मालूम नहीं, इनको मदद के तरीके, ये आग लगाते हैं, ये पत्थर फेंकते हैं, ये चीजें तोड़ते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद कर रही हैं कि ये मदद करेंगे? इन्होंने आज तक मदद किसी की नहीं की। आबिद राव साहब, मेरा सवाल अगला आपसे, क्योंकि सपोर्ट अक्सर आप करते रहे हैं तमाम अलगाववादियों को, और यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर अलगाववादी है कहाँ? लगता नहीं कि इस वक्त उनको सामने आना चाहिए था? देखिए, मैं इस डेफिनेशन पे कि जी वो टेररिस्ट हैं या जो हैं, आई रियली कैन नॉट कमेंट कि वो कहाँ हैं और उनको क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जितने भी ऐसी टीमें होती हैं, इनका एक ह्यूमन एलिमेंट भी जो होता है, आप जैसे सेट के टेररिस्ट करते हैं, बट लेकिन जब भी कोई दलदल आता है तो ये हिज पार्टी इज द मोस्ट यू नो पार्टी इन रीस्टेब्लिशिंग द डिस्प्लेस्ड पीपल। वो इसलिए ये जो पहले अपने हाफिज ने की बात की, ये हर पाकिस्तानी ये फील कर रहा है, ये इंडिया इज इंडल्जिंग इन वाटर एग्रेशन, वाटर वॉर, वाटर यू नो मैनिपुलेशन। मैं अब आपकी साइड पे तो नहीं कमेंट कर सकता, गिलानी साहब किधर हैं, यासीन मलिक किधर हैं, मे बी दे आर द बेस्ट पीपल इन द आंसर। तो लेकिन इसमें वाकई हमारे यहाँ भी मतलब अगर हम अपने तालिबान को देखें तो दे आर नॉट वेयर एट ऑल, अलगाववादियों के पास है वो है लोगों को घरों से निकालने की, उसका इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। इन्होंने 25 साल पहले 400,000 लोगों को घरों से निकाल दिया था हफ्ते भर के अंदर रातों रात। जी बिल्कुल, उनमें से मैं भी था। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी सारी मशीनरी। 4,00,000 लोगों को अगर ये घरों से एक हफ्ते में निकाल सके तो आज एक हफ्ता होने को आया है, इन्होंने कुछ 100 भी नहीं निकाले। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अबसद आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कंफ्यूजन है, लॉजिक में कंफ्यूजन है, एक बात यहाँ से आ रही है, एक बात यहाँ से आ रही है, सेपरेटिस्ट कहाँ है, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल कश्मीर में आई तबाही ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर